L4-L5 स्लिप डिस्क या L5-S1 स्लिप डिस्क। अगर आपके MRI में स्लिप डिस्क लिखी हुई आई है, या फिर दोस्तों आपको एकदम से झटका लगा है, आपको चोट लगी है, भारी वजन उठा रहे तो एकदम से आपकी कमर अकड़ गई और आपको शियाटिका का पेन आने लगा है, तो अब इस वीडियो को देखने के बाद आपको बेड रेस्ट नहीं करना पड़ेगा और आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। मेरा नाम डॉक्टर मनु बोरा, मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन और आर्थ्रोस्कोपिक एक्सपर्ट हूँ टीम ऑर्थोस्पोर्ट। दोस्तों बहुत ज़रूरी है समझना कि आखिर जब स्लिप डिस्क होती है तो वो क्यों हुई है और क्या सिम्टम्स आते हैं, कैसे पता करें कि आपको स्लिप डिस्क है। तो जो हमारी स्पाइन होती है दोस्तों, उसमें बहुत सारी वर्टिब्रल होती है, वो एक के ऊपर एक लगी हुई रहती है, उसके बीच में रहती है डिस्क। हमारी जो मसल्स हैं, जो पैरा स्पाइनल मसल्स हैं, वो हमारी स्पाइन का अलाइनमेंट मेंटेन करती है। जिन लोगों की स्पाइनल की जो मसल्स होती है, पैरा स्पाइनल मसल्स, वो वीक होती है दोस्तों, उनमें स्लिप डिस्क के ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि आपकी जो मसल्स है वो आपकी कमर को सपोर्ट नहीं कर पा रही है। और जब उन वीक मसल्स के साथ कल को आपको झटका लग जाता है, आप जंप करते हैं, आप कोई झुक के भारी वजन उठाते हैं जिसमें आपकी कमर आगे की तरफ झुकी हुई है, तो डिस्क पॉप आउट हो जाती है। इसको बोलते हैं स्लिप डिस्क या PIVD, प्रोलैप्स ऑफ इंटरवर्टिब्रल डिस्क। मोस्ट कॉमन रीजन रहता है इसका L4-5 या L5-S1। एक बार ये जब डिस्क निकलती है तो जो पीछे जो स्पाइनल कॉर्ड होती है दोस्तों, उसको दबाती है। उसको दबाने से आपके पैरों में दर्द आने लगता है, इसको बोलते हैं शियाटिका। कितना दूर तक दर्द आता है पैरों में, सिर्फ हिप तक आ रहा है, हिप से थाई तक जा रहा है, पोस्टीरियर थाई तक या नीचे काफ तक भी आ रहा है, वो डिपेंड करता है कि आखिर कौन से रीज़न की आपकी नर्व रूट दब रही है। एक बार शियाटिका चालू हो गई दोस्तों, तो उठना बैठना बहुत मुश्किल हो जाता है, कमर में भी बहुत सीवियर दर्द होता है। इसके अंदर बेड रेस्ट सिर्फ 2 दिन का रिकमेंडेड है। अगर आपको एक्यूट स्लिप डिस्क हुई है, आपको चोट लगी, आपने भारी वजन उठाया, आपकी जिम में आपको इंजरी हो गई और ज़बरदस्त दर्द हो रहा है आपके सियाटिका का स्लिप डिस्क की वजह से, आपके MRI में भी लिखी हुई आ गई है, तो 2 से 3 दिन का हम बेड रेस्ट देते हैं पेशेंट्स को। उसके बाद बहुत ज़रूरी है कि आप धीरे धीरे वॉकिंग और धीरे धीरे कुछ एक्सरसाइजेज चालू करें। ज़्यादा बेड रेस्ट करने से क्या होता है दोस्तों, आपकी मसल्स और वीक हो जाती है, जिसके कारण आपकी स्लिप डिस्क पहले हुई थी। सो बहुत ज़्यादा रेस्ट करने से जो पाइन और जो मसल्स है उसमें सर्कुलेशन कम होता है और वो ज़्यादा वीक होती है और डिस्क की प्रॉब्लम ठीक होने में बहुत साल लग जाते हैं। इसी में अगर आप ज़्यादा रेस्ट ना करें, दूसरे ही दिन से आप धीरे धीरे एक्सरसाइजेज चालू कर दें, पर एक्सरसाइजेज का मतलब ये नहीं है कि एकदम से आप बहुत ही भारी एक्सरसाइजेज करने लगे। एक्सरसाइज का मतलब ये है कि आप धीरे धीरे एक अच्छे फिजिकल थेरेपिस्ट या फिजियोथेरेपिस्ट की प्रेजेंस में एक्सरसाइज को धीरे धीरे बढ़ाएं। मतलब इनिशियली जो एक्सरसाइजेज चालू होती है वो बैक मोबिलिटी चालू होती है, उसमें भी सिर्फ मैकेंजी एक्सरसाइजेज चालू होती है। मैकेंजी एक्सरसाइज से कुछ फिक्स्ड स्टेप है दोस्तों, वो स्टेप आपको सिर्फ उतना ही करना है, ज़्यादा नहीं करना। एक बार आप रेगुलर मैकेंजी एक्सरसाइजेज कर रहे हैं, उसके बाद धीरे धीरे 1 या 2 सप्ताह में आप बाकी एक्सरसाइज को एड ऑन कर सकते हैं, जिसमें बैक मोबिलिटी एक्सरसाइजेज आती है और बैक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज आती है। वॉकिंग रेगुलरली रखिए। वॉकिंग करने से आपके स्पाइन के अराउंड सर्कुलेशन बढ़ता है, उसकी रिकवरी बढ़ती है और जो इंजरी हुई वो जल्दी ठीक होती है। इसके अलावा बहुत ज़रूरी कि आप कुछ प्रिकॉशन फॉलो करें, कभी भी आगे झुक के काम नहीं करें। अगर आपको स्लिप डिस्क है तो झुक के अवॉइड कीजिए काम करना, उससे डिस्क ज़्यादा निकल सकती है। अगर कुछ बहुत ज़रूरी सामान ज़मीन पर गिर गया है तो अपने नी को बैंड करके उसको उठाएं, ना कि कमर झुका के। किसी भारी चीज़ को धक्का नहीं देना, बहुत भारी वज़न नहीं उठाना। इस तरह के कुछ सिंपल प्रिकॉशंस हैं जो आपको रेगुलरली करने पड़ेंगे अगर आपको स्लिप डिस्क है। अपर बैक स्ट्रेंथनिंग बहुत सारे लोग भूल जाते हैं इसके अंदर, क्योंकि हमारी लोअर बैक दोस्तों हमारे अपर बैक से जुड़ी हुई होती है। तो अगर आपकी अपर बैक राउंडेड है तो आपके लोअर बैक पे बहुत स्ट्रेन पड़ता है और स्लिप डिस्क ठीक नहीं हो पाती है। सो लोअर बैक की एक्सरसाइज का बहुत ज़रूरी है कि अपर बैक की कुछ एक्सरसाइजेज करें, जिसमें VW एक्सरसाइजेज, स्कैपुलर स्क्वीज, Y एक्सरसाइज, इस तरह की काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज है। अगर आप ये एक्सरसाइजेज रेगुलरली कर रहे हैं तो आपकी स्लिप डिस्क बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। इसमें कुछ दवाइयों का भी रोल है, हम न्यूरोविटामिन देते हैं, मसल रिलैक्सेंट देते हैं, पेन किलर्स देते हैं, और वो कुछ समय के लिए दी जाती है। एक्सरसाइजेज हमने वीडियो के एंड में दिखा रखी है, इसको ज़रूर एंड तक देखिए ताकि आपकी स्लिप डिस्क पूरी तरह से ठीक हो जाए। अगर आपको कोई भी सवाल है स्लिप डिस्क को लेकर दोस्तों, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं हमें और मैं उन कमेंट का पढ़ के आपको जवाब दूंगा कि सबसे बेहतर इलाज क्या रहेगा आपके स्लिप डिस्क के लिए।